बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं न्यू रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने, जो कि श्री दालमा नाम है, HSR लेआउट में है। ये उड़ीसा का खाना खिलाता है, तो हमने सुना है कि ये काफ़ी अच्छा है। और ऋषभ भी हेलो कर रहे हैं, और फिर हम तीनों मस्त बैठ के चले गए। रियांस काफ़ी एक्साइटेड है एक्सप्लोर करने के लिए। और आजकल बैंगलोर का काफ़ी अच्छा, मतलब पिंक सा पूरा लग रहा है, पिंक बैंगलोर बन गया है ऐसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये रेस्टोरेंट है श्री दालमा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट यहाँ का फूड काफ़ी अच्छा है। और हम लोग आए थे थाली खाने के लिए, हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था, थाली सारा ख़त्म हो गया था, वैसे अच्छा ही हुआ, जो हम लोग फूड खाए वो काफ़ी यम्मी था। कुछ नहीं, मूड ऑफ क्यों है आपका? थाली खाने आए थे, थाली मिला ही नहीं। अरियांस क्या कर रहे हो तुमको बोतल ही मिला है खाने के लिए। और हमारा खाना आ गया, हम ऑर्डर किए थे छेना तरकारी, ये छेना तरकारी था, और ये चावल था कनिका राइस, और ये मशरूम था मस्टर्ड डाल के बनाया हुआ था, इसका नाम था चाटू राई, जो काफ़ी यम था। और हम लोग गोभी मंचूरियन मंगाए थे, गोभी मंचूरियन भी बहुत यम्मी था, बहुत अच्छा था। कैसा है ऋषभ? मस्त है, टेस्टी है, ये थोड़ा छेना वाला हल्का सा मीठा है, और ये रियांस तुमको भी चाहिए? आप खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत। रियांश भी खा रहा है, बट रियांश खा के आया था घर से, और ये स्पाइसी है काफी सब कुछ, इसलिए हम लोग उसको ज्यादा दे नहीं रहे। बहुत अच्छा है, एक बार जरूर ट्राई करना। यहाँ का फूड तो काफ़ी यम है ही, और वैसे ये जो रेस्टोरेंट है वो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और थोड़ा सा इसको उड़िया स्टाइल में स्टाइल किया हुआ है, पेंटिंग वगैरह लगा के, बट यहाँ पे भीड़ बहुत रहता है। सैटरडे संडे को अगर आप जा रहे हो तो जल्दी जाओ, नहीं तो थाली ख़त्म हो जाएगा। हम लोग का भी ख़त्म हो गया था, हम लोग वैसे लेट पहुँचे थे। बस यही था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।